गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे? चलिए बताइए, ध्यान रख रहे हैं अपना या नहीं रख रहे हैं? ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा अपना, है ना? खूब खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा अपना। चलिए देखिए, मैं आज ना एक पेपर लेके आया हूँ। उत्तराखंड में एक डिग्री कॉलेज का पेपर हुआ था, जो सब्जेक्ट का है, हिस्ट्री का पेपर है। तो ये इसमें 100 क्वेश्चन है सब्जेक्ट के। इसमें से भी जो महत्व के नहीं है वो मैं हटा दूंगा बीच में आपके सामने, और जो आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए चलिए ध्यान देते हैं, पेपर शुरू करते हैं। आज ये मैं पेपर खोलता हूँ, है ना? तो देखते हैं पेपर में क्या क्या है। चलिए देखिए, ये रहा, कह रहा पहला क्वेश्चन, अगर जो आप देख पा रहे हो, कह रहा भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों द्वारा द्विभाषी या द्विलिपीय सिक्कों का प्रचलन किया गया। यही कह रहा है क्वेश्चन, अगर जो आप देख पा रहे हो तो, है ना? तो चलिए यहाँ पे क्या ऑप्शन होना चाहिए? कह रहा द्विभाषी या द्विलिपि, यानी दो भाषी या द्विलिपि लिपि लिखे हुए सिक्के किसने चलाए हैं? तो देखिए, हिंद यूनानियों ने चलाए हैं। ठीक बात है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? द्विभाषी मतलब दो भाषा का, है ना? और द्विलिपि, दो लिपि होंगी, दो भाषा होंगी, तो इन्होंने ही सबसे पहले द्विलिपि सिक्कों का प्रयोग किया है। ठीक है, अब सिक्कों से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप आ जाइए। चलिए देख लेते हैं, हम कुछ सिक्कों से संबंधित कोई क्वेश्चनों को बात कर लेते हैं। चलिए, अगर जो सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन की बात करूं, हम पहले बात कर रहे थे कि हमने कहा द्विलिपि या द्विभाषी सिक्के चलाए हिंद यवनों ने, है ना? क्वेश्चन नंबर एक को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसके अलावा सिक्कों से संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन है वो देख लीजिए। देखिए, एक ना कुषाण शासक होंगे, ठीक है? कुषाण शासक में शासक होगा जिसका नाम होगा भीमकड़फिस। ठीक है, तो भीम कड़फिस शासकों का याद रखिएगा, इसी ने सोने के सिक्के लेन देन में चलाए हैं, लेन देन में, है ना? याद रखिएगा। आपसे पूछे सबसे पहले सोने के सिक्के, सबसे पहले किसने चलाए सोने के सिक्के, तो आप बोल देंगे हिंद यवन शासकों ने। हिंद यवन शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए, और द्विभाषीय सिक्के भी इन्होंने ही चलाए। उसके बाद दैनिक लेन देन में सिक्के सोने के चलाए कुषाणों ने, कुषाणों का शासक है भीम कड़फिस। ठीक बात है, कुषाणों की एक बात और बता दूं मैं आपसे, पूछे सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किनके हैं, तो वो भी कुषाणों के हैं। दो क्वेश्चन हो जाता है। और तीसरा मैं आपको बताऊं कुषाणों का क्वेश्चन, कुषाणों का शासक हुआ कनिष्क, है ना? सिक्कों से ही बात कर रहा हूं मैं अभी। कनिष्क, कनिष्क का काल होता है 78 से 101 ईस्वी। कनिष्क के अगर जो एक आधे क्वेश्चन की बात करूं तो उसने सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए हैं। काहे के सिक्के चलाए? तांबे के सिक्के। और कुषाणों के सिक्के ना या तो तांबे के या सोने के मिलते हैं, चांदी के सिक्के नहीं मिलते, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। फिर एक दो क्वेश्चन ना गुप्त काल के भी हैं, वो भी आप देख लीजिए। आपसे पूछे सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए, तो आप बोलेंगे गुप्तों के समय सर्वाधिक सोने के सिक्के मिलते हैं। इनके यहाँ पे सोने के सिक्के जो होते थे उन्हें क्या कहते थे? उन्हें दिनार कहते थे, सोने के सिक्के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ना? फिर आपसे पूछे फाइयान क्या कहता है कि कौन से सिक्के चलते थे? फाइयान जब आया ना गुप्त काल में, गुप्त काल में 399 से 414 काल है जो गुप्त काल में आया था भारत में घूमने चीनी यात्री। ठीक है, तो ये क्या कहता है पता? ये कहता है कि गुप्त काल में लेन देन कोड़ियों में होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर गुप्तों का एक शासक है जिसका नाम है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त में आपसे पूछे कि गुप्तों के समय मिलावटी सिक्के मिलते हैं, ठीक है, जो दिखाता है कि गुप्तों के समय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे चरमराने लगी थी, शुद्धता कम होने लग जाती है। ठीक है, सिक्कों से संबंधित ये दो चार क्वेश्चन है। चलिए पेपर में चलते हैं वापस। कह रहा भारतीय उपमहाद्वीप में मिले प्राचीनतम सिक्के कौन से हैं? चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सिक्के का ही क्वेश्चन दे रखा है, कमाल। तो देखिए आप, चलिए देखिए मैं यहाँ आता हूँ। अब मैं भारत में मिले प्राचीनतम सिक्कों की अगर जो बात कर लूँ, तो प्राचीनतम सिक्के जो है ना हमारे भारत में मिले हुए, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिलते हैं। कब मिलते हैं? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिक्कों का इतिहास है। यहीं से भारत का इतिहास भी शुरू होता है, इतिहास का काल। ठीक है, यहीं से। तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन ये है कि जो सिक्के मिले ना सबसे पुराने, वो मिले पंचमार्क, या उन्हें कहते थे आहत सिक्के, जो भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं, और ये तांबे के होते थे, आपको पता हो। ठीक है, इस पर आप कहेंगे पंचमार्क यानी पांच निशान लगे होते थे। आहत का मतलब चोट मार के निशान बनाए हुए थे, जैसे पेड़, पहाड़, चांद,
चांद, ठीक है, हाथी, ठीक है, ये मछली, ये सारे के सारे जो है आकृतियां बनी होती थी सिक्कों पर, ठीक है, तो यही पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के कहलाते थे। तो सबसे पुराने सिक्के हैं ये, ठीक है। आपसे पूछे ये तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, पता है वैदिक काल जो कि इससे भी पुराना है, वहां पर लेन देन में ना दो शब्दों का प्रयोग आता है, एक आता है निष्क का और एक आता है शब्द जिसका नाम है शतमान, ठीक बात है। आपसे पूछे निष्क क्या था, तो ऋग्वेद काल में वैदिक काल में गले का हार होता था निष्क, सोने का गले का हार, तो इसको कभी कभी गारंटी के रूप में लेन देन में प्रयोग करते थे, लेकिन ये प्रॉपर सिक्का या मुद्रा नहीं थी। शतमान का मतलब था 100 गायों के मूल्य के बराबर, 100 गाय के मूल्य के बराबर ये होता था आपका शतमान। याद रखिएगा ये वैदिक काल में ऋग्वेद काल में लेन देन विनिमय के माध्यम के रूप में ये जीकर आया है ऋग्वेद में, ठीक हो गई बात। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन हो गए, इन्हें सिक्के नहीं बोलेंगे आप, कहीं बोले आपसे पूछेगा निष्क क्या है तो आप बताएंगे गले का हार है, ठीक है। चलिए तो यहां पर आप प्राचीनतम सिक्कों में यहां पर लगा लेंगे पंचमार्क या फिर आहत लगा लेंगे, ठीक हो गई बात। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में निष्क दे रखा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ये, ठीक है। कोड़ी दे रखा, अभी हमने बताया था कि भाई फाइयान कहता है कि लेन देन में कोड़ी का प्रचलन था, तो देखिए दोनों तीनों क्वेश्चन यहीं से उठे हुए। तमिल व्याकरण की प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक मानी जाती है, ठीक है। तो प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है तोलकपियम। मैं आपको दो तीन क्वेश्चन है इससे संबंधित, मैं आपको बता देता हूं तो आपको ठीक रहेगा। देखिए एक तो तोल कपियम पुस्तक दिख रही है आपको, तमिल में प्राचीनतम व्याकरण की पुस्तक है, अगर जो मैं आऊं इधर पीपीटी पे, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आता हूं मैं। नेक्स्ट पेज पे क्यों नहीं जा रहा, ये आ गया नेक्स्ट पेज पे। अच्छा वो लास्ट पेज हो रखा होगा, तो देखिए नेक्स्ट पेज पे मैं आ गया। तो अब आप देख लीजिए यहां से क्या क्वेश्चन है ना। देखिए कह रहा, सबसे पहले तो देखिए एक काल है भारतीय इतिहास में जिसका नाम है संगम काल। विद्वान इसका काल कोई कहता है 100 से 300 ईस्वी और कोई कहते हैं 100 से 250 ईस्वी। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय दिया है इसका, ठीक बात है। नीलकंठ शास्त्री एक विद्वान हुए हैं, नीलकंठ शास्त्री, उन्होंने इसका काल 100 से 250 माना है, ठीक है। सबसे पहले तो संगम, संगम का मतलब है सम्मेलन। तो दक्षिण भारत में 3 राज्य थे जिनके नाम थे चोर, चेर और पांडे, ठीक बात है। ये चोल है, चोल, चेर और पांडे। तो पांडे राज्य क्या करता था, अपने यहाँ पे ना विद्वानों का समूह सम्मेलन बुलाता था, उसे ही बोलते थे संगम, ठीक बात है। तो यहाँ पर क्या होता था, विद्वान अपनी पुस्तकें लेके आते थे और कोई पुस्तक को अप्रूव किया जाता था। तो व्याकरण की पुस्तक की बात हो रही है जिसका नाम है तोल कपियम। आपसे पूछे तोल कपियम दक्षिण भारत की व्याकरण की पुस्तक है जिसके लेखक कौन है, जिसके लेखक है तोल कपियर। तो आपको ये याद कर लेना चाहिए। अगर जो आप पेपर में ध्यान देंगे तो पेपर में एक सी ऑप्शन में लिखी हुई है मणिमेखले, ठीक बात है। अभी मैं आ रहा हूं वही, देखिए सी ऑप्शन क्या लिखा हुआ, सी ऑप्शन लिखा हुआ है मणिमेखले। अब मैं इसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ और एक ये शिल्पाधिकरण लिखा हुआ है इसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ वहां पे जा करके। मणिमेखले पुस्तक आपसे पूछे किसने लिखी, तो आप बोलेंगे शितले सतनार ने लिखी है ये पुस्तक मणिमेखले, ये भी संगम काल की पुस्तक है। एक शिल्पाधिकरण भी लिखा हुआ था, है ना, शिल्पाधिकरण लिखा हुआ नहीं, बी ऑप्शन। तो शिल्पाधिकरण आपके लिखने वाले थे इलांगो अड़िगल। ये आपके 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, अड़िंगल, ठीक है, अड़िंगल है। तो ये 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अगर जो मैं आपको कहूं, आपसे क्या है कि संगम का मतलब सम्मेलन है, तो देखिए 3 सम्मेलन हुए। आपसे पूछे कौन से राज्य ने करवाए, पांडे राज्य ने करवाए 3ों सम्मेलन। पहला संगम कहाँ पे हुआ, तो आपसे कहेगा पहला संगम हुआ मदुरा में, और अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताइएगा अगस्त ऋषि अध्यक्ष थे, एक क्वेश्चन हो जाता है। फिर आपसे पूछ ले सेकंड सम्मेलन कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे सेकंड सम्मेलन हुआ कपाटपुरम में, है ये पांडे राज्य में, और इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं तोल कपियर, ठीक है। इसी संगम में ही तो ये दूसरी ये किताब लिखी गई थी तोल कपियम व्याकरण की पुस्तक।
तो आपसे पूछे तोल कपियर कौन से समय की पुस्तक है, तो सेकंड संगम की पुस्तक है। थर्ड थर्ड दोबारा से कहाँ हुआ, थर्ड हुआ मदुरा में, उत्तरी मदुरा में, क्योंकि बाढ़ आ गई थी इसलिए स्थान चेंज करना पड़ा था। और अध्यक्ष थे यहाँ पे नकीर। तो तीनों, तो अध्यक्ष, तीनों सम्मेलन स्थान और ये पुस्तक, तीन पुस्तक हो गई। यहां से मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन बता दिए जो आपके काम के, ठीक बात है। और लिखना चाहे एक आधी पुस्तक और बता देता हूं। एक पुस्तक है जीवक चिंतामणि। कौन सी पुस्तक है, जीवक चिंतामणि। आपसे पूछे जीवक चिंतामणि किसकी पुस्तक है, तो ये तिरुक्त देवर की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। एक पुस्तक है कुरल। आपसे पूछे किसकी पुस्तक है, तो आप बताएंगे तिरुवल्लूर की पुस्तक है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं, आ जाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृत प्रकाश के लेखक कौन है। अब देखिए जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, फिर भी आंसर देख लेते। प्राकृत प्रकाश वरुण रुचि की पुस्तक है, गुप्त काल के विद्वान है वरुण रुचि। किस काल के, गुप्त काल के, तो उनके द्वारा प्राकृत प्रकाश लिखी गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा मंदसौर प्रशस्ति का लेखक कौन है। देखिए अब मंदसौर प्रशस्ति आपको मैं दो चार चीजें बता देता हूं। यहां पर इधर कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए मंदसौर प्रशस्ति, पहले इसे छोटा कर लेता हूँ जरा सा, जिससे कि दोनों चल सके, ये ज्यादा छोटा होगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ कहाँ गया। ये रहा क्वेश्चन, कह रहा मंदसौर प्रशस्ति का लेखक कौन है। तो मंदसौर प्रशस्ति में आपको बताऊं, क्वेश्चन को आप देखिएगा क्या है क्वेश्चन, मंदसौर प्रशस्ति की बात हो रही है। दो तीन क्वेश्चन है बस आपको समझ लेने चाहिए बस। प्रशस्ति का मतलब जानते हैं क्या, जो ताम्रपत्र पे लिखा गया हो, पहले तो प्रशस्ति को समझिए, ताम्रपत्र पर लिखा गया हो, ताम्रपत्र पर लिखित, और अपनी वह पूर्वजों की सारी जानकारी मिलती हो, किसकी, पूर्वजों की भी जानकारी मिलती है, उसे ताम्र प्रशस्ति कहते हैं उसे, ठीक बात है। प्रशस्ति का मतलब है जो केवल लिखवाने वाले राजा नहीं, उसके पूर्वजों की भी जानकारी दें। अब मंदसौर प्रशस्ति लिखने वाले हैं वत्स भट्टी। कौन है, वत्स भट्टी। और ये अकेले नहीं थे, इनके साथ में एक और लेखक थे जिनका नाम है वासुल, वहां ऑप्शन में नहीं दिया गया, ठीक बात है। आपसे पूछे मंदसौर प्रशस्ति में किसकी, तो आप कहिएगा मालवा के राजा यशोधर्मन। कौन सा, यशोधर्मन, यशोधर्मन की जानकारी 532 ईस्वी के आसपास की जानकारी मिलती है, ठीक बात है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा गुप्त काल में भुक्ति का प्रशासक कौन होता था, यही तो पूछ रहा। देखिए तो मंदसौर प्रशस्ति में तो आप वत्स भट्टी लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में जब, क्या नाम है, जब वो करना ही है तो बड़ा ही कर लूँ। कह रहा गुप्त काल में भुक्ति का प्रशासक क्या कहलाता था, ठीक बात है। देखिए भुक्ति का मतलब होता था प्रांत, क्या होता था, प्रांत, ठीक है। तो देखिए दो दो तरह के प्रांत होते थे, एक तो राज्य के अंदर और एक होते थे राज्य से एक सीमा पड़ती थी, है ना। तो भुक्ति के जो प्रशासक होता था यानी राज्यपाल, उसे गुप्त काल में उपरी कहा गया है, ठीक बात है, याद रखिएगा क्या कहा गया, उपरी कहा गया है। अब आपसे तो एक तो हो गई, देखिए सीधा एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि भाई भुक्ति, भुक्ति का हो गया आपका उपरी, कहीं जगह उपरी कहीं जगह उपरी महाराज। अगर सीमावर्ती हो, सीमावर्ती प्रांत हो, तो उसके जो प्रशासक था उसे कहते थे गोप्ता। ये हैं दोनों प्रांत के राज्यपाल, ठीक होगी बात। फिर आपको पता है जो ये प्रांत होते थे यानी कि भुक्ति, भुक्ति से नीचे होता था जिला गुप्त काल में, है ना। जिले को क्या कहते थे, जिले को कहते थे विषयपति। ये भी एक बार पेपर में पूछा गया, जिले को क्या कहते थे, विषय कहते थे, विषय का अधिकारी विषयपति कहलाता था, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है, नवपाषाण काल में की मुख्य विशेषता बताइए, ठीक है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं नवपाषाण। देखिए नवपाषाण काल की अगर जो मैं बात करूं, नवपाषाण काल में 3-4 क्वेश्चन मुझे आपको यहाँ बताने भी पड़ेंगे। तो नवपाषाण काल में पशुपालन और कृषि के पूरे साक्ष्य मिलते हैं, किसके, कृषि के और पशुपालन
पशुपालन की पूरी जानकारी मिलती है, तो दोनों लग जाएंगे ए और बी। मैं आपको नवपाषाण काल की और विशेषताएं बता देता हूं, इधर आकर के आप मेरे साथ इधर आ जाइए। बात हो रही है नवपाषाण काल, ठीक बात है। तो नवपाषाण काल की ये, इसका काल लगभग ऐसे मानते हैं 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक का ये नवपाषाण काल बोल देते हैं, ठीक बात है। नवपाषाण काल में लोग क्या क्या करने लग गए थे वो आप जान लीजिए। देखिए, नंबर एक, स्थाई जीवन जीने लगे। जब आपसे पूछे स्थाई जीवन जीने लगे, तो आपसे पूछे ग्रामीण जीवन का विकास कब शुरू हुआ, तो आप कहेंगे ग्रामीण जीवन का विकास ये नवपाषाण काल में शुरू हुआ। नंबर दो, जब स्थायी जीवन रहे तो इसका मतलब क्या करने लगे, खेती करने लगे होंगे, कृषि करने लगे, तो कृषि की सहायक कार्य क्या है, पशुपालन, पशुपालन भी कृषि के साथ होने लगा था, ठीक बात है। अब यहां पर जो क्वेश्चन होता है कृषि और पशुपालन करने लगे, तो इसका ना एक क्वेश्चन आता है प्रमुख स्थल बता दीजिए, तीन चार वो हमारा काम हो जाता है। देखिए मैं आपको बताऊं, एक स्थल है मेहरगढ़, मेहरगढ़ है बलूचिस्तान में, ये भी नवपाषाण काल का है। सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य यहीं पर मिलते हैं, कपास की खेती के साक्ष्य विश्व में सबसे पुराने साक्ष्य हैं, हमने ही दुनिया को कपड़ा पहनना सिखाया, ठीक हो गई बात। उसके बाद आपसे पूछे खाद्यान्न फसल, तो मैं कहूंगा खाद्य फसल में सबसे पहले खेती जो हुई है चावल की है मनुष्य ने, ठीक है। तो आपसे पूछे चावल की खेती कहाँ मिलती है भारत में, तो मैं आपसे कहूंगा भारत में कोलडीवा है, इलाहाबाद घाटी में, इलाहाबाद में कोलडीवा घाटी है, वहां पर सबसे पुराने जंगली चावल के साक्ष्य मिले थे, ठीक बात है। दो स्थल हो गए, एक तो मेहरगढ़ हो गया, एक हो गया कोलडीवा हो गया। उसके अलावा इस काल में ना मनुष्य और पशु को साथ में दबाए गए हैं।